This show is not meant for normal folks, but is created for people with severe boredom issues. Like people who are so bored that they find it difficult to get up from the pot. Thus, it is perfectly understandable that the contents of this show are fit to be flushed out. In case the stuff is still floating around in your head and you find it difficult to find a plumber, we suggest you call Just Dial Services on 888-888-888. There's one more 8 in the end. Anyway, Indian Airlines की एक फ्लाइट पिछले दिनों बैंगलोर से दिल्ली 9 घंटे में आई। एयरलाइंस को चाहिए ऐसी स्थिति में विमान को ना राजधानी ट्रेन के पीछे बांध दे ताकि इससे फ्यूल भी बच जाए। इंडियन एयरफोर्स की कुछ महिला पायलट्स जो है पिछले दिनों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। आर यू श्योर वो वहां पर चढ़कर गई या फिर उनका मिग एवरेस्ट पर क्रैश हो गया? अच्छा एनीवे एयर इंडिया के पायलट्स कहाँ पीछे रहने वाले हैं? उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को तुरंत एक डिमांड की लिस्ट थमा दी है जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची थी और फिर वापस ट्राई पर चले। पिछले दिनों ड्यूरोंटो एक्सप्रेस भारत की सबसे फास्ट ट्रेन चेन्नई और दिल्ली के बीच में शुरू हो गई है। ममता दीदी का कहना है कि ये ट्रेन इतनी फास्ट है, इतनी सुपर फास्ट है कि पैसेंजर ट्रेन में ऐसे चढ़ता है चेन्नई में और जब तक अपनी सीट पर पहुंच जाता है तब तक अच्छा दिल्ली आ गया, दिल्ली पहुंच जाती है। प्रफुल्ल पटेल, ओ हमारे पास कोई ऐसा प्लेन भी है तो बनाओ। एयर इंडिया ने अपने एग्जीक्यूटिव के इंसेंटिव में 50% की कटौती की है। बताते हैं फिर भी इंसेंटिव इतने हैं कि एक एग्जीक्यूटिव साल में एयर इंडिया के 2 विमान खरीद सकता है। जय हिंद टीवी शो इंटरनेट पर राजनाथ सिंह की कसम।